पापा वो पहलवानी जम नहीं है पापा, पापा गीता दीदी तो इतना थक जाती हैं कि क्लास में ही सो जाती हैं। पपीता को पूरी बॉडी में दर्द रहता है। स्कूल में छोरियां गीता दीदी को मर्द मर्द बोल के चिढ़ाती हैं। बताओ कल सुबह 5 बजे तैयार है। 23 दिसंबर को आमिर खान की दंगल रिलीज हुई। एक बार फिर उन्होंने जोरदार तरीके से उसकी मार्केटिंग की है और इस बार मार्केटिंग में उन्होंने 2 नए टूल यूज किए हैं। पहला, 97 किलो का वजन गेन करने के बाद उन्होंने एक बार फिर सिक्स पैक की बॉडी बना के दिखाया है, जो बहुत ही कमाल बात है, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है और बहुत मेहनत और डेडिकेशन से किया गया है। दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग उन्होंने किया है, उन्होंने अपनी बेटी को पहली बार फिल्म के प्रमोशन के लिए यूज किया है। उनकी बेटी ईरा खान ने हाल ही ट्विटर में एक फोटो डाली थी जिसमें उन्होंने और उनकी विदेशी मित्रों ने बापू तू तो सेहत के लिए हानिकारक है गाने का टी शर्ट पहना हुआ था। टी शर्ट पे सामने ये गाना लिखा हुआ था। ये पहली बार हुआ है, वरना आमिर खान कभी अपने परिवार को अपनी फिल्मों के प्रमोशन में यूज नहीं करते हैं। शायद उन्होंने इसलिए किया क्योंकि ये कहानी दंगल की बेटियों के बारे में है, पोगट सिस्टर्स के बारे में है। आमिर खान उसमें पिता का रोल कर रहे हैं, एक ऐसा पिता जो 97 किलो का एक वजनदार आदमी है और उस रेसलर है और जीवन भर उसका एक ही सपना था कि उसका एक बेटा हो जो उसके सपने को पूरा करे गोल्ड जीतने का, मगर उनको बेटियां होती चली गई और बाद में एक बार एक पॉइंट पे आके मिस्टर पोगट को ये समझ में आया कि मुझे अपनी बेटियों में ही बेटा देखना है और उन्होंने करके दिखाया, उनकी बेटियों ने करके दिखाया। समझ में ना आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे छोरा। गीता और बबीता पोगट ने अंतरराष्ट्रीय स्तर में हिंदुस्तान का परचम लहराया। कॉमनवेल्थ गेम में दोनों ने गोल्ड जीते और ये पहली बार हुआ कि हिंदुस्तान की महिला रेसलर्स ने गोल्ड जीता हो। कहानी सच्ची है और आमिर खान ने उसको सच्चे तरीके से निभाया है और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इस फिल्म के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। जहाँ तक ईरा खान को प्रमोशन के लिए यूज़ करने की बात है, बहुत जस्टिफाइड है क्योंकि ये कहानी बेटियों की है और आमिर खान इसमें एक पिता का रोल निभा रहे हैं। ऐसे में उनकी बेटी ईरा खान को लाना जो है इसको एक ऑथेंटिसिटी देगा, एक इमोशनल रिलेशनशिप देगा। आमिर खान हमेशा एक मैसेज वाली फिल्म बनाते रहे हैं एंटरटेनमेंट के साथ में। ये फिल्म दंगल भी एक मैसेज देती है, ढेर सारा एंटरटेनमेंट देती है और बहुत रियलिस्टिकली शूट की गई है। इस बात से भी समझ में आता है कि जो लड़कियां गीता और बबीता पोगट का रोल कर रही हैं उनको 8 महीने रेसलिंग की ट्रेनिंग दी गई। वो गिरी, चोट लगी, मगर उन लड़कियों ने भी हिम्मत के साथ ट्रेनिंग जारी रखी। लड़ी जब तक लड़ सकी तब तक लड़ी। इस फिल्म को इन लड़कियों के डेडिकेशन के लिए, आमिर के डेडिकेशन के लिए और गीता बबीता की सक्सेस की कहानी देखने के लिए हमें जरूर देखना चाहिए। We wish हमें काम ऑल द बेस्ट। हाथों की पहलवानी अब दंगल होगा।